The problem is not what other people think, do or say. It is your reaction. जब हमारे सामने कोई परेशानी खड़ी हो जाती है तो हमारा दिमाग fear, anger, frustration और stress जैसे negative reactions generate करने लगता है जो हमारे लिए problem से भी बड़े बन जाते हैं और ये उस समय हमारे decision making को मुश्किल बना देते हैं क्योंकि प्रॉब्लम वह नहीं जो हम समझते हैं, असल में ये तो हमारा रिएक्शन ही है। लेकिन जैसे हर ताले की चाबी होती है, उसी तरह हर समस्या का एक समाधान भी होता है। इस समय थोड़ा पेशेंस रखते हुए सिचुएशन को ठंडे दिमाग से सोचें तो सॉल्यूशंस दिखाई देने लगते हैं। इसे समझते हैं इस कहानी से। एक बार एक किसान अपने गधे को लेकर घर जा रहा था। आगे आगे चलते हुए गधा अचानक एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढा इतना गहरा था कि गधा उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। किसान को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह गधे को कैसे निकाले। गधे को गड्ढे में गिरे हुए कई घंटे निकल चुके थे। किसान के कई प्रयासों के बाद भी गधा बाहर नहीं आ पाया। उसे लगा कि अब गधे को बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। क्योंकि गधा बूढ़ा था, किसान ने सोचा इसे यहीं दफना देना ठीक रहेगा ताकि कोई और भी इस गड्ढे में न गिर जाए। वह गड्ढे में मिट्टी डालने लगा। पहली बार मिट्टी डालते ही गधा फिर से चिल्लाया, लेकिन उसके बाद मिट्टी डालते समय वह चुप हो गया। किसान को लगा कि थकान से वह मर गया है। कुछ देर मिट्टी डालने के बाद किसान थक कर वहीं बैठ गया। उसने सोचा कि कुछ देर आराम करने के बाद वह बाकी बचे गड्ढे को भी भर देगा। तभी उसने देखा कि गधा गड्ढे के किनारे पर आकर बाहर आने की कोशिश कर रहा है। वह चौंक गया और सोचने लगा यह कैसे हो गया, इतनी देर में गधा गड्ढे से बाहर आ गया। यहां हुआ यूं कि जब किसान ने गड्ढे में पहली बार मिट्टी डाली तो वह गधे के शरीर पर गिरने से उसे दर्द होने लगा। उसने अपने शरीर की मिट्टी नीचे गिरा दी और अपने पैरों से उसे दबाने लगा। जब भी किसान मिट्टी डालता वह ऐसा ही करता और धीरे धीरे मिट्टी को पैरों में दबाते हुए वह ऊपर आता गया और अंत में जमीन के इतनी पास आ गया कि वह आसानी से निकल पाए। दोस्तों, किसी प्रॉब्लम से घबरा कर इमीडिएट रिएक्शन से पहले आप अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, साथ ही दूसरे ऑप्शंस या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके ढूंढें और इसे सुलझाने में लग जाएं। अपनी क्षमताओं को समस्या से कम न समझें, क्योंकि ये हमारा करेज ही होगा जो हमें सॉल्यूशन की ओर ले जाएगा। ध्यान रखें, हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान की शुरुआत आपसे होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।